बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद तेक और आप लोग देख रहे हैं ट्रिपल ट्रिप्स एंड टूर्स का एक और नया व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के अंदर देखा कि हम लोगों ने अपनी तीन नई डिवाइसेज की अनबॉक्सिंग की थी, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 16 प्रो मैक्स को और 15 प्रो मैक्स को कंपेयर करने वाले हैं आपस में, जो उनमें मेजर डिफरेंसेज होंगे उसको कवर करेंगे। जैसे 15 प्रो मैक्स के अंदर एक्शन बटन आया था और उसके बाद जो 16 प्रो मैक्स है उसके अंदर हमें कैप्चर बटन, जिसे आप कह सकते हो, या कैमरा कंट्रोल बटन भी आप उसे कह सकते हो, वो हमें मिला। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बाकी जो उनसे दोनों के स्पेक्स है उसके अंदर कितना फ़र्क है, या इसको अभी मुझे भी लिए हुए एक हफ्ता हो गया तो देखते हैं कि वो क्या सीन बना उसके अंदर। ठीक है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 प्रो मैक्स अंदर बग्स आ रहे हैं या कुछ इश्यूज हैं, थोड़े से हीटअप होता है, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस है लोगों के, और वो सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ना एक सही आंसर मिल सके आप लोगों की इन बातों का। ठीक है, एक तो मतलब मुझे इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए हफ्ता हो गया, हीटअप अभी तक नहीं हुआ, बैटरी इसकी मेरे पास, मैं एक दफ़ा चार्ज करूँ दो दिन मेरे पास आराम से निकाल जाती है। ठीक है, मतलब आपको अगले दो दिन इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आराम से निकाल जाती है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, मतलब ऑलवेज ऑन तो इसका मैंने शुरू से ऑन रखा हुआ है, इसको मैंने ऑफ नहीं किया आज तक। और वहीं पे 15 प्रो मैक्स है, उसकी भी मेरे पास साल से है वो, और उसकी बैटरी हेल्थ है मेरे पास 97%, एक साल में मतलब थोड़ा सा चला है। ठीक है, इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं इस्तेमाल होता, तो इसके भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ बैटरी टाइमिंग मेरे पास बहुत अच्छी है, वो भी दो दिन मेरे पास तकरीबन निकाल जाता है क्योंकि मेरा यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है उसके साथ। अच्छा, अब जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ आप लोगों को बटन वगैरह का लग सकता है, या मतलब आम जो बाहर आप लोगों को देखने में रहेगा ना, फिज़िकली जो फ़ोन को ऐसे देखने में पकड़ने में फील होता है, वो आप लोगों को सिर्फ बटन का लगेगा और थोड़ा साइज़ बड़ा किया है इन्होंने, तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। तो आइए जी वीडियो को शुरू करते हैं, दोनों फ़ोनों को करते हैं कंपेयर। और जी ये पड़े हुए मेरे पास दोनों फ़ोन, एक तरफ है जी 16 प्रो मैक्स और एक तरफ है जी मेरे पास 15 प्रो मैक्स। दोनों का आप लोग देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जोन सा इस वक्त ऑन है, और दोनों की जोन सी बॉडी के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। दोनों की बॉडी जोन सी है टाइटेनियम से बनी है, दोनों फोन्स की बॉडीज के अंदर जो टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया है वो भी ग्रेड 5 का टाइटेनियम है, मतलब दोनों के टाइटेनियम के अंदर जो है क्वालिटी का ज़रा भी फर्क नहीं है, दोनों का सेम टाइटेनियम है। बस इसमें यह है कि नेचुरल टाइटेनियम है, इसके ऊपर कोई कलर नहीं किया हुआ, लेकिन ये डेजर्ट टाइटेनियम है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ना आप लोग को स्किन टाइप या रोज गोल्ड टाइप कलर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी दोनों के वेट के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को 15 प्रो मैक्स का वेट मिल जाएगा जी 221 ग्राम्स, और 16 प्रो मैक्स का आप लोगों को वेट मिलेगा ये 227 ग्राम्स, और वो इस वजह से है क्योंकि इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है 15 प्रो मैक्स से। 16 प्रो मैक्स का साइज है 6.9 इंच प्रो मैक्स मॉडल्स का, और इसका है जी 6.7 इंच, तो आप लोगों को थोड़ा सा बिल्कुल साइज के अंदर फर्क नजर आएगा, और मतलब आप लोग ऐसे अपीयरेंस में भी नजर आ रहा होगा वीडियो के अंदर, और वैसे भी जब आप इसे अपने हाथ में होल्ड करते हैं ना हैंड में, तो आप लोगों को इसकी अलग फील आती है और इसको होल्ड करने की अलग फील आती है, मतलब आप लोगों को होल्ड करने से पता चल जाता है कि आप लोगों ने 16 प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है या 15 प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है। बाकी जोन सी है जी हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं, तो दोनों फ़ोन के अंदर LTPO सुपर रेटना XDR OLED पैनल लगा हुआ है 120Hz का, जो HDR10 सपोर्ट करता है, डॉल्बी VNS के अंदर, और दोनों की जोन सी टॉप निट्स हैं, ब्राइटनेस निट्स जिसे आप कह सकते हैं, वो है जी 2000, तो ये भी जी ठीक है, मतलब दोनों के अंदर डिस्प्ले जो है बिल्कुल सेम लगा हुआ है, डिस्प्ले के अंदर भी कोई चेंज नहीं है दोनों के। उसके बाद जो है जी दोनों iOS 18 पे चल रहे हैं हमारे पास, और एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी इनके अंदर हैं। आईफोन 16 के अंदर तो वैसे ही एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन आईफोन 15 जो है प्रो मॉडल्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, और बेस मॉडल्स के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी एक ठीक है जी। और 16 प्रो मैक्स के तो बेस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है। बाकी दोनों के जो उनसे बेस मेमोरी वेरिएंट्स आते हैं वो 256 GB हैं, आप इसके अंदर 128 GB नहीं ले सकते, और मेमोरी कार्ड भी आप इसके अंदर नहीं डाल सकते, मतलब स्टोरेज भी इसकी एक्सटेंड नहीं होती, अब आपको बस जो बीच में स्टोरेज है उससे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम दोनों फ़ोनों के मेन कैमरों की बात कर लेते हैं जी। तो हमारे पास जो सा है, पहले हम 16 प्रो मैक्स की बात करते हैं। 16 प्रो मैक्स के अंदर हमारे पास मेन कैमरा जो वाइड कैमरा है वो है हमारे पास 48 मेगापिक्सल के अंदर, और जो सा इसके अंदर अल्ट्रा वाइड है वो भी हमारे पास 48 मेगापिक्सल में है। जो सा दूसरा है टेलीफोटो लेंस है हमारे पास, वो है हमारे पास
12 मेगापिक्सल के अंदर, ठीक है जी, 16 प्रो मैक्स के अंदर। 15 प्रो मैक्स की जब बात करें, इसमें आपको मेन वाइड लेंस जो सा मिलता है वो 48 मेगापिक्सल है, और अल्ट्रा वाइड भी आपको 12 मेगापिक्सल मिलता है, और टेलीफोटो लेंस भी 12 मेगापिक्सल मिलता है। मतलब आप एंड पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एप्पल ने इस दफ़ा जो सा सिर्फ अल्ट्रा वाइड है वो 48 मेगापिक्सल कर दिया है, मेन के साथ उसको मैच कर दिया है, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। मतलब आप अल्ट्रा वाइड के अंदर अगर व्लॉगिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैमरा लगेगा। रात को जो ग्रेनी वीडियो बनती थी अब वो नहीं बनेगी, वीडियो के अंदर ग्रेन्स नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास 16 प्रो मैक्स 4K 120 FPS में जी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि मुझे अच्छी बात लगी काफ़ी ज़्यादा। अब आप इसके अगर वीडियो मोड पे जाएं, और यहाँ पे मैं भी देखता हूँ, तो ये 60 पे चला जाएगा और उसके बाद 120 पे चला जाएगा, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे जब हम इसको लेके जाते हैं वीडियो पे 4K पे, तो ये सिर्फ 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाता है। अभी इसके सेटिंग में जाके मुझे इनेबल करना पड़ेगा 60 को, तो ये 120 FPS में जहाँ पे रिकॉर्ड करता है वो ये यहाँ पे 60 में रिकॉर्ड करता है। और बाकी इसके अंदर जो है स्टूडियो माइक इस दफ़ा हैं, आप लोगों को माइक इस फ़ोन के साथ एक्सटर्नल इतनी जल्दी अब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट है। व्लॉगिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए माइक भी बहुत अच्छा है, आपके लिए कैमराज भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए अगर आप लोग कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग इसके जो है सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, सेल्फी कैमरा दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का ये सेल्फी कैमरा है, बिल्कुल सेम है। फेस आईडी भी आप लोग ऊपर डायनेमिक आइलैंड देख सकते हैं, डायनेमिक आइलैंड दोनों के अंदर है, मतलब फेस आईडी भी दोनों के अंदर सेम है, ठीक है, मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं है, फेस आईडी का तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और ये देखें जी, ये इस तरह एयर ड्रॉप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप इनको एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इन दोनों के वाईफाई के बारे में, तो वाईफाई जो सा है जी इनके अंदर भी बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी का आता है, उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। ब्लूटूथ दोनों के अंदर 5.3 आता है, NFC दोनों के अंदर है, USB पोर्ट इसके अंदर। अब हम USB पोर्ट की अगर बात करें तो USB पोर्ट 3.2 आती है दोनों के अंदर, Gen 2 की, जो कि रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, अब आप रिवर्स भी फ़ोन को चार्ज कर सकती हैं इससे। अब हम दोनों फ़ोन्स की बैटरी के बारे में बात करते हैं कि एप्पल ने जो है एक साल के अंदर बैटरी को कितना इंप्रूव किया अपने प्रो मैक्स मॉडल्स के अंदर। तो हमारे पास जो है 15 प्रो मैक्स की बैटरी वो है 4441 mAh की, यहाँ पे 16 प्रो मैक्स इस दफ़ा लेके आया जी 4685 mAh, जो कि आप लोगों को यूजेज में पता भी चलता है कि इसकी बैटरी वाकई एक अच्छी बैटरी उन्होंने डाल दी है। अब आपको इससे बड़ी बैटरी की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, जब तक आपकी हेल्थ ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो जाती और आपका बैटरी टाइमिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, तो जब तक वैसा कोई सीन नहीं होता तब तक तो इसकी जो सी बैटरी टाइमिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। 16 प्रो मैक्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से 3-4 घंटे ज़्यादा निकाल जाता है यूजेज के हिसाब से, जो मैं नॉर्मल डेली ड्राइवर एज इस्तेमाल करता हूँ या जो भी है, तो उस हिसाब से इसकी बैटरी में एक अच्छा अपग्रेड है। आप लोगों को फील होगा कि आपने वाकई 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड किया है। अब इसके बाद हम अगर 15 प्रो मैक्स के N22 स्कोर की बात करें तो वो है जी हमारे पास 14,87,200.03, ठीक है, इसका जो है प्रोसेसर का स्कोर और बाकी परफॉर्मेंस का N22 स्कोर। और जहाँ पे हम लोग 16 प्रो मैक्स के N22 स्कोर की बात करें तो वो है हमारे पास 17,23,557, जो कि बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के अंदर भी फ़र्क मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सी है A17 चिप इस्तेमाल हुई और इसके अंदर A18, उससे बिल्कुल एक जनरेशन आगे। और आप लोगों को पता है कि एप्पल के जो चिपसेट होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत बड़ा अपग्रेड मिलता है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए अपने फ़ोन से, बैटरी भी बड़ी चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, तो आपको 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए। और अब हम इस फ़ोन के एक्शन बटन के बारे में बात करते हैं, दोनों के अंदर एक्शन बटन तो है ही, मतलब आप इसको यहाँ से दबाएंगे तो फ़ोन साइलेंट पे हो जाएगा, या वो जो चीज़ है वो तो है ही है दोनों के अंदर। लेकिन आप लोगों को जो है 16 प्रो मैक्स के अंदर इस दफ़ा इन्होंने कैमरा बटन भी, आप इसे कह सकते हैं कैप्चर बटन भी, जो भी आप इसे कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। तो इसको अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन बंद है तो वो ऑन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जब आप इसे दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको जब हल्का सा थोड़ा सा बस आप इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये जूम आप लोगों को पहला ऑप्शन देता है जूम करने का, आप इस पर आराम से टच करके तो जूम भी कर सकते। जब आप इस पर फिर दो दफ़ा प्रेशर डालेंगे तो ये आप लोगों के पास ये वाला मेन्यू ओपन कर देगा, जिधर आप डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपने दो दफ़ा प्रेशर डालना है, बटन को नहीं दबाना, ये प्रेशर सेंसिटिव बटन है, ये देखें अब मैंने दो दफ़ा प्रेशर डाला तो ये चीज़ें भी कंट्रोल कर पा रहा है। अब हम यहाँ से चीज़ें सारी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं, जो आप लोग कैमरा को एज अ प्रो जब आप इस्तेमाल करना चाहते हो, सारी सेटिंग्स आप चाहते हो मेरे हाथ में हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वाइब्रेंट हो गया या स्टैंडर्ड पे मैं तो नॉर्मल रखता होता हूँ,
तो ये आप लोग सारी जो है ना सेटिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हो। अभी मैं तो इसको सिर्फ जूम पे रखूँगा, आप लोग इसको जिस पे चाहो उस पे करके तो सेट कर सकते हो अपनी सेटिंग्स को, ठीक है। और ये था जी हमारा आज का रिव्यू बाकी दोनों के अंदर। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग व्लॉग बनाते हैं, आप लोग व्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को कैमरा चाहिए, कैमरा इस्तेमाल करना है आईफोन का, तो फिर तो आपको इस पर ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड जो है बहुत अच्छा मिल जाता है 15 प्रो मैक्स के निस्बत, ठीक है। और बाकी जो है इसके अंदर माइक्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, टाइटेनियम दोनों के अंदर सेम है, तो दोनों की जो सी है स्टेबिलिटी आप कह सकते हो या रगिडनेस कह सकते हो, दोनों की सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। टूटने को दोनों भी टूट सकते हैं, टूटने को दोनों नहीं भी टूट सकते, तो वो आप लोग पर डिपेंड करता है आप लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। बाकी बैटरी लाइफ भी आप लोगों के यूजेज पर डिपेंड करती है कि कैसे आप लोग यूज़ करते हो। अगर गेम्स खेलते हो तो फिर तो कम हो जाएगी, मैं अपने फ़ोन पर गेम बिल्कुल भी नहीं खेलता, तो उस वजह से मेरी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है इन फोन्स के साथ, और मुझे बैटरी लाइफ के साथ फिलहाल कोई शिकायत भी नहीं है, खासतौर पे 16 प्रो मैक्स के साथ और 15 प्रो मैक्स के साथ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक साल के अंदर बहुत कम इस्तेमाल हुआ फ़ोन, सिर्फ 100 से आपको पता है 97 पे बहुत कम है, वो भी एक साल में। इस फ़ोन की कवरेज वैसे एक्सपायर हो गई है, क्योंकि एक साल से इसको मेरे पास तकरीबन ज़्यादा हो गया, 1.1 मंथ्स आप इसे कह सकते हो मेरे पास हो गए हैं। तो आप लोग अगर कैमरा मेन चाहिए तो आप लोगों को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आप लोग 15 प्रो मैक्स पे भी रह सकते हो, 17 प्रो मैक्स का भी वेट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो से उसके लीक्स आ रहे हैं, उसके ये लीक्स आ रहे हैं कि इस दफ़ा वो है जो शेप चेंज कर रहे हैं अपनी एप्पल, ठीक है। एप्पल अपने फ़ोन की शेप चेंज कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है कि हो सकता है वो ना कर पाए शेप चेंज, क्योंकि उनको भी अपनी शेप के साथ प्यार हो गया होगा जिस तरह हमें इन फोन्स के साथ हो गया, ठीक है। तो देखते हैं जी कि 17 प्रो मैक्स में वो हमारे साथ क्या करते हैं। लेकिन आप लोग अगर कैमरा नहीं इस्तेमाल करना चाहते और बैटरी आप लोग अगर बड़ी चाहिए तो फिर तो आप लोगों को 16 प्रो मैक्स पर जाना चाहिए। अगर आप मतलब ट्रैवल करते हैं और आप लोग घर से बाहर रहते हैं ज़्यादा देर, आप लोग अपने होम नहीं होते, होम पे नहीं होते, तो फिर तो आप लोगों को 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए। बैटरी बड़ी है इसकी, जैसे कि मैंने आपको दोनों के एमएच बताए, बाकी इसमें भी 8GB रैम है, इसमें भी 8GB रैम है, तो दोनों की स्पेक्स भी बिल्कुल सेम है, बस A17 और A18 का फ़र्क है दोनों के अंदर, और वो भी आपको जो सी डेली यूजेज आपकी नॉर्मल सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप की सारी चीज़ें होंगी, इसमें आप लोगों को फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। गेमिंग में दोनों के अंदर फ़र्क पता चलेगा, वो आप लोग अगर करते हैं तो फिर ले लें ये वाला फ़ोन 16 प्रो मैक्स। आप लोगों को परफॉर्मेंस के अंदर जिस तरह मैंने एंटूटू स्कोर बताया, फ़र्क है दोनों फ़ोनों के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन आप लोग जब नॉर्मल इसे यूज़ करेंगे, अपनी डेली ऐप्स इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल व्हाट्सएप हो गया जिस तरह मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल इस्तेमाल करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता अपने फ़ोन के अंदर ऐसा, तो 15 प्रो मैक्स मेरे लिए सब बहुत बेस्ट है। मतलब इसकी ना बैटरी हेल्थ कम है और बैटरी टाइमिंग ही मुझे बहुत अच्छी निकाल के दे देता है, कैमराज भी इसके बहुत अच्छे हैं, तो 15 प्रो मैक्स भी एक गुड फ़ोन है 2024 के अंदर और 25 के अंदर भी रहेगा। जब 17 प्रो मैक्स आएगा तब उस हिसाब से देखेंगे कि ये 15 प्रो मैक्स को कैसे कंपेयर करता है या कैसे उसको कम्पीट करता है, तो वो बाद में देखी जाएगी। अच्छा जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। ये था जी हमारा एक 16 प्रो मैक्स वर्सेस 15 प्रो मैक्स, और इसमें बस थोड़े से माइनर चेंजेस थे, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन आप लोग अगर इंटरनल स्पेक्स को देखें या बाकी सारी चीज़ों को देखें तो अंदर से चेंजेस हैं, फिजिकली वैसे बाहर से चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ से मुझे मेन चेंजेस लगे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़ोन एक नॉर्मल इस्तेमाल करना होता है, मैं ऐसे गेमिंग करके नहीं देखता या मतलब मैं ऐसे परफॉर्मेंस वगैरह इतनी चेक नहीं करता फ़ोन की, ठीक है। बस नॉर्मल यूजेज मेरी होती है, व्हाट्सएप चल गया, सोशल मीडिया थोड़ा सा नॉर्मल मेरी यही यूजेज होती है फ़ोन की, मैं इससे आगे कुछ भी यूज़ नहीं करता फ़ोन पर, मतलब ना गेमिंग करता हूँ ना कुछ और करता हूँ, तो नॉर्मल मेरी यूजेज में जो मुझे फ़र्क नज़र आया मैंने वो आप लोगों को बता दिए। बाकी अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और फ़र्क नज़र आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी उन चीज़ों का पता चले। बाकी ये बड़े हैं जी हमारे पास दोनों फ़ोन, अभी यही बना रहे हैं हम लोग वीडियो, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।